आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी भीड़ है। इन सभी बच्चों से मारुति कंपनी के नाम पर पैसे लिए गए थे, किसी से 8,000 रुपये, किसी से 10,000 रुपये। ये दिल्ली राजधानी का एक मामला है और आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर दिल्ली राजधानी के अंदर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी का भी ऑफिस है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी ऑफिस है और यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर थाना भी है और पुलिस चौकी भी है। यहाँ पर इस तरह से फिरौड़ हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के भी हाथ हो सकते हैं। दोस्तों क्या मानना है आपका? आप लोग पुलिस कंप्लेंट भी करते हो, कल भी यहाँ 100 नंबर पे कंप्लेंट हुई थी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी? नहीं। अच्छा अच्छा आप जी? नहीं अभी नहीं, अभी तक हम लोग के पैसे वापस नहीं किए गए। हम लोग आपसे कितने पैसे लिए बेटा? 6,000 रुपये। आपके दोस्त से भी लिए थे पैसे? जी हमारे दोस्त से लिए थे तो उनका वापस कर दिया, क्योंकि हमारा नहीं किए। हमारे दोस्त का लिए तो उनका वापस हो गया, मेरा नहीं किए। आपके 6,000 रुपये लिए थे जी? कौन सी कंपनी का भर्ती कर रहे हैं आपको? JBM। JBM कंपनी के नाम पे, यानी कि मारुति की कंपनी के नाम पे भर्ती की जा रही है। आप देख सकते हैं साहब, दिल्ली करोल बाग में अगर आपको मारुति कंपनी में नौकरी पानी है तो आप इस ऑफिस में आइए, ऑफिस दिखाइए एक बार। आप यहाँ पर आइए और नौकरी के नाम पे 8,000 रुपये देके और नौकरी पाइए मारुति कंपनी के अंदर। दोस्तों क्या मामला है? इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अच्छा, मेल आया था इनका मेरे पास में। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि आपके पास मेल कहाँ से आया था? आपने कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई करा था पहले? Naukri.com से आया था। Naukri.com पे आपने अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेल देखा तो यहाँ पे आ गए मैं एड्रेस पे। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद में ये पैसे मांग रहे हमसे। कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे? ये हमसे मांग रहे थे 5,000 रुपये। अच्छा, जब यहाँ पर मीडिया पहुंची तो लोग भाग गए थे यहाँ से? हाँ, वो भाग गए थे, सभी लोग भाग गए थे, मीडिया को देख के भाग गए थे लोग। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को इंटरव्यू के नाम पे 3,000 लिया और ऑफर लेटर के नाम पे 3,000 लिया और 3,000 लेने के बाद LOI दे दिया और मैं इनको 15 दिन से कॉल कर रहा हूँ। क्या नाम था मैडम का? नेहा। नेहा मैडम जी। अच्छा, और इनके एक बहुत बड़ी नाम मनोज है। मनोज और कॉल आती थी, जितने भी थे शर्मा लोग थे, क्या कहते हैं, अमित शर्मा, रजत शर्मा, आदित्य शर्मा, ऐसे ऐसे करके शर्मा लोगों के कॉल आते थे। आप देख सकते हैं मुझसे नाम बताया गया शिवांगी, बच्चे से नाम बताया जा रहा है नेहा जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम भी है और ये लोग फर्जी ID रख के, मैंने देखा कम से कम 1,000 रिज्यूम रखे थे इनके ऑफिस में। और LOI ये लोग जो भी देते हैं सुपर इन्फोटेक जॉब सिलेक्शन कमेटी करके देते हैं। अच्छा अच्छा, दिखाइए आप लेटर दिखाइए। इस तरह से आप देख सकते हैं झंडे वालान करोल बाग में बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर चौकी है और लोगों से मारुति कंपनी के नाम पर पैसे ले जाते हैं, ठगी की जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर पुलिस के पास जाते तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि जब पुलिस के नाक के नीचे ये काम हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ऑफिस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, बिल्कुल दिल्ली राजधानी में अप्रोच चल रहा है मारुति जैसी बड़ी कंपनी के नाम पर जी। यही वो बिल्डिंग है, इधर ले, आप देख सकते हैं यही वो बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में ऑफिस है जहां पर लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और ठगी की जाती है। ये दिल्ली के झंडे वालान फेज रोड का मामला है, इसी बिल्डिंग में ठगी की जाती है और इस बिल्डिंग का कोई भी नाम नहीं। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है 3231 अशोक नगर फेज रोड करोल बाग न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली का मामला है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर लगी है, हज़ारों बच्चों से पैसे लिए गए हैं और पता नहीं कितने बच्चे भी यहाँ पर आए भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली राजधानी का यह मामला है, यहाँ पर युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरह से दिल्ली के भीड़ भर के इलाके में यहाँ पर ठगी की जाती है लोगों से मारुति जैसी बड़ी कंपनी के नाम पर। आइए जानते हैं जो संबंधित अधिकारी है उनका क्या कहना है इस विषय में। फेज रोड पर खड़े हैं झंडे वालान फेज रोड करोलबाग दिल्ली। तो यहाँ पर सभी आप नौकरी के लिए आए थे जी? कौन सी कंपनी की भर्ती करते हैं लोग? ये JBM और मिंडा के लिए और क्वालिटी में दिया था मेरे को। हाँ, इंजीनियर के लिए। हाँ, पोस्ट कितनी सैलरी बता रहे थे आप? 35+। आप 18,000 रुपये। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।